हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना खूबसूरत सा ये डोरमैट बनाया है। इसे मैंने वेस्ट पड़ी हुई जींस से बनाया है। ये डोरमैट हमारा सिर्फ 5 मिनट में बनके तैयार हो गया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम इस तरह की वेस्ट पड़ी हुई जींस का यूज करके आज हम डोरमैट बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर जींस ली है और एक कैप लेंगे। इसके नाप से हम इसमें से सर्कल पीस कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सर्कल पीस इसमें से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने सर्कल पीस कट कर लिए हैं। इसी तरीके से हम और भी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके के किए हैं, तो कुछ मैंने इस तरीके के किए हैं। तो आपके पास जो भी कलर हो उनके आप कट कर सकते हैं। तो इनको साइड से कर देंगे। तो अब हम इसके लिए बेस देख लेते हैं। तो बेस के लिए मैंने यहाँ पर ये चौकोर पीस में कपड़ा लिया है। तो चौकोर पीस में लिया है, आप कोई भी कलर का ले सकते हैं। तो इस तरीके से रखेंगे हम। तो इस तरीके से रखकर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो फिर हम दूसरी लाइन यहाँ पर रखेंगे। तो दूसरी रो को हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से फिर हम यहाँ पर ब्लू रखेंगे, उसके बाद इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इनको हम सिलकर पूरा इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने सिलकर पूरा कंप्लीट कर लिया है। जो सेंटर है उसमें मैंने रेड को लगा दिया है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो आप इसे एक कलर से भी बना सकते हैं, आप इसे दो कलर से या फिर अनेकों कलर से आप इसे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। काफ़ी थिक बना है क्योंकि जो हमने सर्कल कट किए थे वो जींस के किए हैं। तो जींस तो हमारी काफ़ी थिक होती है। तो ये हमारा डोरमैट बन के पूरा कम्प्लीट हो गया है। तो आपने देखा होगा इसे बनाना कितना आसान है और कितने ही आसान तरीके से ये डोरमैट हमारा बनके तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।